मणि कर्णिका को रिलीज होते ही बड़ा झटका लगा है। खबर है कि फिल्म पायरेसी की चपेट में आ गई है और ऑनलाइन लीक हो गई। बता दें कि छोटे से लेकर बड़े बजट तक की ज्यादातर फिल्में रिलीज होने के साथ ही ऑनलाइन लीक हो जाती है। इससे इंडस्ट्री को काफी नुकसान भुगतना पड़ता है। इससे पहले खबर आई थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे भी लीक हो गई है। इन फिल्मों को तमिल रॉकर्स द्वारा लीक किया गया है। तमिल रॉकर्स की गतिविधियों से बॉलीवुड को काफी परेशानी हो रही है। ठाकरे और मणिकर्णिका से पहले द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी लीक हुई थी। यहां तक कि हॉलीवुड फिल्म एक्वामैन भी रिलीज होने के कुछ घंटे बाद लीक हो गई थी। इन फिल्मों की उम्मीद अनुसार कमाई न होने का बड़ा कारण पायरेसी को माना जा रहा है। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर है, जिसमें बचपन की मनु के झांसी की रानी बनने और अंग्रेजों से मुकाबला करने की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। कंगना मणिकर्णिका बनी है, जिन्होंने एक्टिंग के साथ इस फिल्म के कई सारे डिपार्टमेंट भी संभाले। यह हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु के डब वर्जन के साथ रिलीज हुई। यह फिल्म दुनिया के 50 देशों में एक साथ रिलीज हुई है। इसे करीब 110 करोड़ के बजट में बनाया गया है। करीब 2 घंटे 28 मिनट की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के पास किया है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी इस फिल्म के गीतकार और डायलॉग राइटर भी है। फिल्म में अतुल कुलकर्णी ने तात्या टोपे, जीशु सेन गुप्ता ने गंगाधर राव, डेनी डेंजोबा ने गुलाम गौस खान, सुरेश ओबेरॉय ने पेशवा बाजीराव, वैभव तत्ववादी ने पूरण सिंह और ताहिर शब्बीर ने संग्राम सिंह के रोल किए हैं। इस फिल्म में कंगना के बाद सबसे महत्वपूर्ण किरदार झलकारी बाई का है, जिसे अंकिता लोखंडे ने निभाया है। मिष्टी चक्रवर्ती काशीबाई बनी है, प्रिया गमरे भी है और स्वाति सेमवाल भी। सदाशिव राव भाऊ का रोल मोहम्मद जीशन अयूब ने निभाया है। बाहुबली के लेखक के पी विजेंद्र प्रसाद ने इसे लिखा है। राधा कृष्ण जगरल मुनि यानी कृष्ण ने भी इस फिल्म का निर्देशन किया है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस की ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।